एक चोर दीवाल छोटी देखकर वह अंदर चोरी करने के लिए आ जाता है और वह एक घर में प्रवेश करता है। वो ये लगाई छलांग, और वही छलांग लगाने के बाद वो ऐसे घूम रहा है जैसे कि यह घर इसी का ही है। और अंदर आकर वह चारों तरफ देखने लगता है कि कहीं कुछ मिल जाए मुझे, भाई 100-200 रुपए तो बन ही जाएंगे। और इस तरीके से वह चोरी करने लगता है, चारों तरफ बहुत तलाशी करता है कि कुछ ना कुछ मिल जाए। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अगले पल क्या होने वाला है। दोस्तों, अगले पल एक कार आती है गेट के सामने, और कार आने के बाद चोर थोड़ा घबरा जाता है और गेट से बाहर की तरफ देखने लगता है। और देखने के बाद वह फिर से चारों तरफ छुपने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि मकान मालिक आ चुका है। दोस्तों, मकान मालिक अपनी गाड़ी को पैक कर रहा है ताकि वह सही जगह रख सके। लेकिन अभी भी मकान मालिक को पता नहीं है कि अंदर कोई और भी है। दोस्तों, अगले ही पल वह चोर इधर उधर छुपने की कोशिश कर रहा है और यही जुगाड़ करने की सोच रहा है कि भाई अब मैं निकलूं कैसे, चोरी तो छोड़ो, अब तो मुझे निकलना है यहाँ से। क्योंकि भाई देखिए, वह बंदा दूसरे गेट से देख रहा है और मकान मालिक इधर से आ रहा है। अब उसके पास कुछ ही सेकंड बची हुई है निकलने के लिए। और यहाँ पर देखिए कैसी सिचुएशन होगी इस जगह की, भाई बंदा दूसरी तरफ निकलने की कोशिश और मकान मालिक इधर से। अब देखिए चोर भी दोस्तों कितने अजीब होते हैं ना, भाई गेट खुला देखा कि भाई चलो, और भाई देखिए मकान मालिक से हुआ सामना, मकान मालिक के साथ हुई बहस, और फिर क्या हुआ, दे थप्पड़ और दे थप्पड़। भाई मकान मालिक ने शायद देखिए दे थप्पड़ भाई मचा दिया धमाल, और अभी चोर इस रात चोरी नहीं करेगा। ओके, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे बहुत ही अच्छी जानकारी के साथ। इस वीडियो को देखकर आप भी जागरूक रहिए, वरना आपके घर भी इसी प्रकार से कोई ना कोई आ सकता है।